वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़ों को नमस्ते, छोटों को हेलो। मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हो मुझे अपना हाल कमेंट में बताना। आज मैं जा रही हूँ सोलन, तो सोचा कि अकेले क्यों जाना है, आप लोगों को भी साथ में लेके चलती हूँ। तो मैं पहले तैयार हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। मैं तैयार होने में वैसे ज़्यादा टाइम लगाती नहीं हूँ, इसीलिए मैं फटाफट से तैयार हो गई और अपने निकल गई। अब देखती हूँ मुझे कितनी देर में बस मिलती है। काफ़ी देर के बाद मुझे बस मिली, फिर मैं सोलन पहुँची। पर सोलन पहुँच के ना मुझे थोड़ा सा भाई का वेट भी करना पड़ा, थोड़ा सा नहीं, इवन 2 घंटे तक। फिर मैं वहाँ पे, एक पार्क है, पार्क में बैठ गई। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आप सोच रहे होंगे कि गुड मॉर्निंग क्यों बोल रही है। हाँ, गुड मॉर्निंग ही, क्योंकि शाम को ना मैं व्लॉग बनाना मुझे याद ही नहीं रहा। उसके बाद एक तो मैं लेट हो गई थी, फिर मार्केट में इतना सारा काम था, मार्केट क्लोज़ होने वाली थी क्योंकि भाई को आते आते 8 बज गए थे और 8:30 बजे मार्केट बंद हो जाती है, इसीलिए मुझे आधे घंटे में सारे काम निपटाने थे। तो इसलिए मैं व्लॉग, मुझे वीडियो बनाना याद भी नहीं रहा, नहीं तो मैं छोटी छोटी क्लिप करके ले भी लेती। और आते शाम को यहाँ पहुँचते पहुँचते हमारे को 10 बज गए थे। उसके बाद हमने खाना बनाया, फिर खाया, फिर 11:30 हो गए थे। तो अभी मैं उठी, मैंने सोचा जो कल का वो आधा अधूरा व्लॉग है वो भी मैं कंप्लीट करूँगी, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है, वो मैं आपको दिन तक बताऊँगी या बाद में बताऊँगी। और अभी मुझे वापस शिमला जाना है, फिर शिमला में भी अपना जो घर का काम घूम है वो भी करना है। उसके बाद फिर दिन को बताऊंगी कि आज का दिन क्यों खास है। मेरे लिए तो बहुत खास है, पर ये खास दिन मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूंगी, इसलिए इस व्लॉग को प्लीज़ एंड तक देखना। रूम में ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम बस स्टैंड के लिए निकले। इवन भाई ने मुझे बाइक पे छोड़ा ताकि मैं टाइमली शिमला पहुंच जाऊं। अब मैं शिमला पहुंच गई थी तो मैंने सोचा आज झाड़ू तो लगा हुआ है, इसीलिए मैं क्या करूं, मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी था, मैंने सोचा पोछा ही कर लेती हूं, क्योंकि थोड़ा सा ना डस्ट डस्ट हो ही जाता है। फिर अब आप सोच रहे होंगे कि झाड़ू पोछे की बात कर रही है, सुबह तो स्पेशल डे के बारे में बोल रही थी, पर मैं स्पेशल डे के बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। पोछा लगाने के बाद मैंने सोचा कि ये मैट भी धो ही लेती हूँ, क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी डस्ट डस्ट लगी हुई थी। और फिर जिस काम को करने के लिए मन हो जाता है, फिर मन करता है कि इसको अभी कर लूँ। उफ़, इतना करने के बाद फिर मैं बहुत थक गई थी। मैं आई हूँ मंदिर, क्यों आई हूँ, मैं स्पेशल डे के बारे में बात कर रही थी सुबह, तो अब बताती हूँ। आज है हमारी 3rd मैरिज एनिवर्सरी। मुझे तो सुबह ही मंदिर आना था, पर हस्बैंड किसी काम से गए हुए थे बाहर, तो इसलिए आ नहीं पाए। अकेले आने का मन नहीं था तो सोचा शाम के टाइम जाएंगे।
आइसक्रीम यार, पता क्या है ना, आज एनिवर्सरी है हमारी, मतलब तीसरी एनिवर्सरी है, तो जो दो एनिवर्सरी गई ना वो लॉकडाउन में ही गई, इसीलिए मतलब कोई एंजॉय नहीं किया, एक भी एनिवर्सरी अच्छे से नहीं हुई। वैसे बाहर का व्यू बहुत सुंदर है, शाम के बज रहे हैं 7:30 से ऊपर का टाइम है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, आज हम डिनर बाहर ही करने वाले हैं। पहले तो था घर में जाएंगे बनाएंगे, फिर हम पहले मंदिर चले गए, मंदिर में काफ़ी देर रुके, उसके बाद तो वहाँ से लेट हो गए, फिर कहीं और गए, अब इधर आइसक्रीम खाने बैठ रही है, तो कब जाके डिनर बनाएंगे, इसलिए सोच रहे हैं कि अब कहीं अच्छा सा ढाबा देख के डिनर कर लेते हैं। ये लो जी, हम पहुंच गए हैं डिनर करने। हमने मैंने मंगवाया है रोटी, बटर रोटी, ये पता नहीं कुछ क्या है ये मुझे नहीं पता ये क्या ये पनीर भुजिया, ये रायता है, ये मैंने नहीं मंगवाया इसीलिए मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। कुफ्ता है, कोई शाही कुफ्ता शायद से, बस इतना ही है, इतना ही डिनर करेंगे हम, इसलिए अब हम कर लेते हैं डिनर, फिर मिलती हूँ आपसे। खाना बहुत है, पनीर भुजिया, पनीर भुजिया अच्छी है। खाना अच्छा है, बहुत अच्छा। अब मैं अभी ये टेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पनीर भुर्जी खानी है। डिनर करने के बाद हम पहुंच गए हैं रूम। हाँ, अब तो थकान भी हो रही है और डिनर भी हो गया, अब इस व्लॉग को आज ही ख़त्म करेंगे। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, प्लीज़। थैंक यू।